जिस वक्त ऋषभ पंत दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में बैठकर जोश बढ़ा रहे थे, हार्दिक ने रच दी थी बड़ी साजिश। क्या पंत के सामने ही बदला लेना चाहते कि हार्दिक अपने ही घर में कैसे ढेर हो गई दिल्ली। हार्दिक ने लगा दिया धोनी वाला दिमाग, धोनी ने जो दाव सिखाया आज हार्दिक के काम आया। 5 दिन 2 टीमें, पहले 3 की मार, दिल्ली के खिलाफ 4। हार्दिक कैसे करते हैं ये काम हर बार। हार्दिक की इस चाल को न धोनी समझ पाए न डेविड वॉर्नर। दोनों टीमों के खिलाफ वो काम कर दिया जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। आईपीएल 2023 का पहला मैच गुजरात की टीम ने चेन्नई के खिलाफ खेला था। एक तरफ चेला हार्दिक थे तो दूसरी तरफ थे गुरु धोनी। उम्मीद थी कि शायद चेला गुरु से पीछे रह जाएगा, लेकिन हार्दिक ने पहले मैच में ऐसी चाल चली थी कि गुरु धोनी को मात देकर हार्दिक ने अपनी टीम गुजरात को वो मैच जिता दिया था। उसके बाद जब हार्दिक की टीम दूसरे मैच में दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरी तो ये कहा जा रहा था कि अपने घर पर पंत की मौजूदगी में दिल्ली कमाल करेगी, हार्दिक की गुजरात को टक्कर देगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हार्दिक के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा था। जिस वक्त पंत दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए अपनी टीम का जोश बढ़ा रहे थे, उस वक्त मैदान पर हार्दिक दिल्ली को हराने का प्लान बना रहे थे और दिल्ली उनके प्लान में फंसती चली गई। कुल मिलाकर 5 दिन 2 टीम और 3 की चाल, फिर हार्दिक ने 4 की चाल से दिल्ली को बेहाल कर दिया। चलिए आपको हार्दिक की पूरी चाल के बारे में बताते हैं। दरअसल दिल्ली की पिच को देखकर माना जा रहा था कि पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन हार्दिक ने तो माने दिल्ली की पिच को पहले से ही पढ़ लिया था। हार्दिक टॉस जीते और टॉस जीतकर आंख बंद करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हार्दिक को पता था कि दिल्ली की पिच में क्या छुपा हुआ है। मैदान पर उतरते ही हार्दिक के गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले पृथ्वी शो और फिर मार्श को शमी ने अपना शिकार बनाया तो हार्दिक के दिमाग में एक और प्लान आया। हार्दिक ने दूसरे छोर से जोसेफ को भी लगा दिया। जोसेफ ने भी हार्दिक के भरोसे पर खरा उतरते हुए वार्नर और खतरनाक बल्लेबाज रोसो को चलता करके पहले 10 ओवर में ही दिल्ली की कमर को तोड़कर रख दिया था। जो चाल हार्दिक ने धोनी की टीम के खिलाफ चली थी उसी चाल से हार्दिक ने दिल्ली को भी ढेर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले 10 ओवर में ही दिल्ली के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। बड़ी बात यह है कि हार्दिक जिस वक्त दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे, उस वक्त इस नजारे को ड्रेसिंग रूम से बैठे हुए ऋषभ पंत देख रहे थे। दिल्ली के खिलाफ बाकी कसर राशिद खान ने पूरी कर दी। राशिद ने खतरनाक दिख रहे ईशान पोरेल को आउट करके दिल्ली की मुसीबत को और बढ़ा दिया। अब हार्दिक के इस खेल को समझिए। चेन्नई के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक के गेंदबाजों ने शुरुआत के 10 ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि चेन्नई उससे उबर नहीं पाई। दिल्ली के खिलाफ भी हार्दिक के गेंदबाजों ने शुरुआत के 10 ओवर में 4 बड़े विकेट चटकाकर दिल्ली को गड्ढे में डाल दिया। दोनों ही मैचों में हार्दिक की एक बात खास थी कि उन्होंने किसी भी स्पिनर का इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों मैचों में शुरुआत के सभी 10 ओवर हार्दिक के तेज गेंदबाजों ने कराए, तो हार्दिक की रफ्तार वाली चाल दोनों टीमों को बेहाल कर गई। इससे हार्दिक की कप्तानी की काबिलियत को समझा जा सकता है। इससे साफ समझ आता है कि हार्दिक को पिच की कितनी बेहतर समझ है। दिल्ली को दिल्ली में जाकर मात देना हर कप्तान के बस की बात नहीं है। हार्दिक ने वो काम करके दिखाया है। तो आपका हार्दिक की कप्तानी को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।